सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ब्रजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए राजद नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला समेत 2 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मुन्ना शुक्ला को दोषी करार दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ब्रजबिहारी हत्याकांड में बाहुबली मुन्ना शुक्ला और एक अन्य मंटू तिवारी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इस मामले में लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बता दें कि 1998 में पटना के IGIMS अस्पताल में ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी रमा देवी, भाजपा और CBI ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और R महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। निचली अदालत ने वर्ष 2009 में 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बता दें कि ब्रजबिहारी प्रसाद लालू यादव की पार्टी के बड़े और दबंग नेता थे। उनकी हत्या गैंगवार का नतीजा थी। ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम भी आया था, जो समय सूरजभान के गैंग में शूटर था। बाद में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम का UP और बिहार में खौफ पैदा हो गया। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्ला को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। UP में पहली बार श्री प्रकाश शुक्ला को ही खोजने के लिए STF बनाई गई थी। वर्षों के बाद आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। 26 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे हम संतुष्ट हैं। कम से कम न्याय तो मिला और धन्यवाद देती हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट को और साथ साथ भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस फैसला के लिए तत्परता दिखाए और कोशिश किए कि फैसला आना चाहिए। इससे मुझे आम जनता को जो सजा मिला है मर्डर को उससे खुशी है। मुझे तो खुशी आज भी नहीं है, कल भी नहीं। मैं जितना तकलीफ झेली हूँ ये तकलीफ तो देख रहे हैं कि हमारा घर बर्बाद कर दिया। हमारे बाल बच्चे को जितना ऊंचाई तक जाना था पढ़ाई करके या उसका ताकत मिलता, जिस संघर्ष करके मंत्री जी ने यहाँ तक जो काम किए थे जनता के बीच में, लेकिन जनता हमको यहाँ तक पहुँचाने का, सांसद बनाने का काम किया उनके किए हुए काम के बदला में। और हम भी बहुत न्यायपूर्ण काम की, जनता ने बार बार मुझे जिताने का काम किया और जनता का सेवा मैं देती रही हूँ। और आज जो हमारे लक्ष्मेश्वर साहब नहीं रहे, उन्हें बड़ी हिम्मत से गोली चलाए थे, उनको भी मार दिया था, तो आज उनकी याद बहुत आ रही है। हम अगला 13 जून का जो हम मूर्ति उनका भी लगाएंगे और उनका भी सम्मान मैं दिल से करूंगी। क्या ऐसे ऐसे जो वर्दी मिलता है, जो आर्म्स मिलता है, वो रक्षा करने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत लोग है जो बचने के लिए आर्म्स को केवल खिलौना बना देता है। लेकिन लक्ष्मेश्वर शाह जी ने गोली चलाए तत्परता से, 2 को गोली मारे भी, इलाज भी हुआ, उसको मैं बताई भी DGP को, लालू जी के सामने बताई, लेकिन क्या हुआ, ढाक के 3 पात हो गया। लेकिन हम सोचते हैं, समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ शायद 1 सप्ताह या 15 दिन का दिया है कि सरेंडर करने के लिए। मुझे डर बना हुआ है कि कहीं ये भाग नहीं जाए देश विदेश, ताकि इतना पैसा लूटे हुए है, लोगों को डरा डरा कर डर के मारे लोग पैसा दे देता है उसको। तो आज के दिन में बहुत लोग सांस ले रहा है राहत का, बिजनेसमैन भी राहत का सांस ले रहा है, जो भी लोग कारोबारी है सांस ले रहा है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल आज आजीवन कारावास में गया है। इससे लोगों को ताकत बढ़ी है और मुझे भी ताकत मिली है कि कम से कम न्याय तो मिला, 26 वर्षों पर भी मिला, लेकिन उसको सजा मिला। और जो संदेह का फायदा लेकर बचा हुआ है वो भी नहीं बचेगा, उसको भी बीच बीच में माँ भगवती सजा दी है, उसको भी सजा दी है और बड़ा सजा मिलेगा। जो भी है बचा हुआ, जो विचार से गंदा किया, जो मन से गंदा किया, किसी की उन्नति से गंदा किया, तो वैसे वैसे आदमी को भोगने के लिए धरती है,
देखने के लिए लोग है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।